हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम अ फॉर्चुअस बैड एनकाउंटर का पार्ट 3 शुरू करते हैं। अगली सुबह जब वो शैन की आंख खुली तब उसकी गर्दन में हल्का सा दर्द हो रहा था और उसकी आंखें भी भारी हो रखी थी। बाहर का मौसम बहुत ख़राब था, आसमान में काले बादल थे। और जब वो शैन रूम में अपना फ़ोन चेक करने गया तो उसने देखा कि सुबह का 5:48 AM हो रखा था। उसके दिमाग में लान वांगजी के ख्याल घूम रहे थे। वे वुशियान फिर एक बार अपने बेड पर लेट गया और कमरे की छत की ओर देखने लगा। लान वांगजी की भी आदत थी सुबह 5 बजे उठने की और रात 9 बजे सो जाने की, सिवाय उस रात के। वे वुशियान की नींद पहले ही खुल गई थी। वो हमेशा सोचता था कि अगर उस दिन वांगजी की आँख पहले खुल गई होती तो क्या होता, क्या उसे अफसोस होता या फिर वो वुशियान का साथ देता। उस दिन बहुत मुश्किल से वे वुशियान अपने रूम तक पहुंच पाया था जब उसकी हीट दोबारा से स्टार्ट हो गई थी और उसे पूरी रात अकेले ही गुजारनी पड़ी थी। लान शिचेन उन दोनों को साथ में देख लेता क्योंकि वो रास्ते में ही था। क्या वो वेइंग और वांगजी को रोकने के लिए कुछ भी करता? तभी वेइंग धीरे से हंसा और सोचने लगा, बेचारा शिचेन कितना वरिड था जब उसने वेइंग से दोबारा कांटेक्ट किया। उसे लग रहा था कि वांगजी ने वेइंग का फायदा उठा लिया है और वेइंग को कितना कुछ सोचकर शिचेन को बताना पड़ा था कि असल में हुआ क्या था। वेइंग ने शिचेन से बताया कि लान वांगजी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है, बल्कि गलती वेइंग की ही थी। ये सुनकर शिचेन को थोड़ा सुकून हुआ था, पर वेइंग की बॉडी से सेंट बहुत तेज आ रही थी। शिचेन ने वेइंग को अश्योर किया था कि वांगजी वेइंग को कभी भी हेट नहीं करेगा अगर उसे पता भी चल गया। वेइंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि क्या शिचेन को अपने भाई का कैरेक्टर अच्छे से पता था कि वांगजी सच में वेइंग को माफ़ कर देगा। अब ये सब मैटर नहीं करता था क्योंकि वांगजी जा चुका था और वेइंग के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो वांगजी के जाने से पहले उसे कॉन्टेक्ट कर सके, और वो काफी अशेम्ड भी फील कर रहा था शिचेन से इस बारे में पूछने का। लेकिन इस सब के बावजूद वेइंग के दिमाग में गूंजता था, क्या अगर ऐसा होता तो। 2 हफ्ते बीत चुके थे। शिचेन वेइंग के घर गया था जहां आ युआन ने उसे बताया था कि शिचेन अंकल ने उसे बहुत सारे किसेस भेजे हैं और ये भी कि मॉम एक फिश की तरह लगती हैं। शिचेन काफी खुश था ये जानकर कि वह युआन अच्छे से है, और उसने वे वुशियान से ये भी पूछा था कि क्या वो श्योर है कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसके अंकल गुस्सा हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएंगे। जब वेंचिंग ने उन्हें बताया था कि वो आयुवान की फादर है और शिचेन ने कसम खाई थी कि वो आयुवान का फादर नहीं है। वेइंग और वेंचिंग रूम में बैठे हुए थे और वेनिंग के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी मेन डोर पर किसी ने नॉक किया। दोनों चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो दोनों ही दरवाजा खोलने के लिए खड़े हो गए थे। वेनिंग आयुवान के साथ पार्क गया था, लेकिन उसके पास चाबी थी और उन्होंने दरवाजा भी लॉक नहीं किया था। वेइंग को पता था कि वेंचिंग कुछ बुरा ही सोच रही है, और उसके खुद के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी जैसे ही उसने दरवाजा ओपन किया। सामने एक मैन खड़ा हुआ था जो काफी स्मार्ट था और उसके हाथ में एक एनवेलप था। उसने कहा, ये वेइंग के लिए है। वेइंग ने सुनते ही वो एनवेलप लेते हुए कहा, मैं ही हूँ वेइंग। इससे पहले कि वो उस मैन से कोई क्वेश्चन पूछता, वो पर्सन वहां से जा चुका था। वेंची को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेइंग के हाथ कांप रहे थे ये सोचकर कि आखिरकार क्या है इस एनवेलप में। उसने कांपती हुई उंगलियों से एनवेलप को खोला और उसकी सांस थम सी गई। डॉक्यूमेंट्स देखकर वेइंग जल्दी जल्दी उन्हें पलटकर देखने लगा। उसकी आंसुओं से भरी आंखें हर एक पन्ना बार बार पलटकर तब तक देखती रही जब तक उसे सही से देखना बंद नहीं हो गया। वेंचिंग वेवुशियन को समझा रही थी और उसने वेइंग को सोफे पर बैठाया। वेइंग ने अपना मुंह अपने हाथ से कवर कर लिया था और अपना सर नीचे किया हुआ था। वेंचिंग वेइंग को पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, पर तभी वहाँ न्यू हेसांग ये कहते हुए आया कि उसके पास एक न्यूज है। पर जैसे ही न्यू हेसांग ने वेइंग को देखा, उसने कहा, क्या हुआ वेवुशियन? न्यू हेसांग सोफे पर वेइंग के बगल में जाकर बैठ गया और उसकी पीठ को रब करने लगा। काफी देर तक वेइंग चुप था। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को हाथ से मोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसने कहा कि लान शिचेन टेस्ट करवाना चाहता है कि आ युआन का फादर कौन है। तभी न्यू हेसांग के मुंह से अचानक से निकला, लान वांगजी। वेंचिंग बोली, क्यों,
अब क्यों लानवांग जी को चिंता है? क्या वो गुस्सा नहीं हो गया था ये सोचकर कि लांच चैन आई युआन का फादर है? तभी वेइंग ने कहा, अगर आई युआन मैच हो जाता है तो लांच चैन उसकी फुल कस्टडी के लिए केस फाइल करेगा। उसने कहा, लांच चैन आई युआन को मुझसे छीन लेना चाहता है, वो जीत जाएगा। ये कहते कहते वेइंग की आंखें भर आईं। उसने कहा, लांच चैन हर वो सबूत दिखाएगा जिसमें शी चैन ने हम पर खर्चा किया है। ये प्रूव करने के लिए मैं आई युआन को अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। अब मैं क्या करूँगा? ये कहकर वेइंग ने अपना सर हाथों में छुपा लिया। न्यू हसांग ने कहा, लांच चैन का इस सब से क्या मतलब है? वेंचिंग बोली, लांच चैन एक रिच एल्फा है और वेइंग एक ओमेगा है जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आई युआन किसी भी लान से रिलेटेड निकल गया तो लांच चैन केस जीत जाएगा। ये कहकर कि लान फैमिली का हीयर एक अनसुटेबल सिंगल ओमेगा मदर के द्वारा पाला जा रहा है, तभी न्यू हसांग बोला, वे वुशियन, शायद तुम्हें लानवांग जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। ये सुनते ही वेइंग ने कहा, हाँ मैं वांग जी को कॉल करके बता दूंगा कि उसका एक बेटा है जिसके बारे में मैंने उसे कभी नहीं बताया, और ये भी कि जिस रात वांग जी ड्रंक था मैं उसके रूम में था और हीच में था, तो वो अपने अंकल की हेल्प कर सकता है आई युआन को मुझसे अलग करने में। वेंचिंग बोली, वे वुशियन गलत है, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी हीट स्टार्ट हो जाएगी। वेइंग ने कहा, पर जब मुझे अपनी हीट महसूस हुई तब भी तो मैं नहीं गया ना वहाँ से। वेंचिंग ने कहा, तो वे वुशियन क्या करते तुम? हॉल में इधर उधर घूमते ताकि किसी भी अल्फा के साथ इंटीमेट हो जाते। घूम फिर कर सारी बात हर बार यहीं पर आकर अटक जाती थी और किसी भी बार वेइंग के पास कोई जवाब नहीं होता था वेंचिंग के सवालों का। तभी निवेशांग बोला, वांग जी ड्रंक था या नहीं, वे वुशियन वो ना ही तो तुम्हें रूम में इनवाइट करता और ना ही तुम्हें बर्दाश्त करता अगर वो तुम्हें थोड़ा भी पसंद नहीं करता होता। वेइंग ने कहा, क्या ये सच नहीं है? निवेशांग बोला, वे वुशियन, बोर्डिंग स्कूल में फर्स्ट ईयर में जब तुमने वांग जी को ड्रंक कर दिया था और तुमने उसकी टाई ठीक करने की कोशिश की थी, तब वांग जी ने तुम्हें पुश कर दिया था। तब से वेइंग तुम लान वांग जी के करीब थे। उसने तुम्हें अपना हाथ उसकी कमर के अराउंड रखने दिया और उसके रूम तक छोड़कर आने दिया था। लान वांग जी कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता था। तुम दोनों से एक जैसी ही स्मेल आती थी, वेइंग बोला, लेकिन इससे मुझे ये राइट तो नहीं मिलता ना कि मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाऊं। ये ऑब्वियस था कि वांग जी मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मुझे भूल जाए, लेकिन अगर वो मुझसे नफरत करने लगे तो? ऊपर से अभी तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी और बच्चे भी, वो सालों पहले ही जा चुका है। न्यू हसांग बोला, वांग जी ने अभी तक शादी नहीं की है, वो कल ही वापस आया है। ना ही उसकी फिंगर में कोई रिंग है, ना ही कोई बाइट मार्क है और ना ही कोई मेट है। न्यू हसांग ने कहा कि मैं और मेरा भाई लान वांग जी के साथ लंच करने गए थे और मेरे भाई ने उससे पूछा था कि क्या कोई पार्टनर मिला है उसे। उसने कहा, वे वुशियन, तुम वांग जी को कॉल करो, शायद तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम आई युआन को एक साथ बड़ा कर सको और फिर तुम्हारे और भी कई सारे बेबीज हो जाएंगे। वेइंग बोला, वांग जी के अंकल मेरा मर्डर कर देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैं वांग जी के साथ भी इन्वॉल्व था। वेंचिंग बोली, भाड़ में जाए उसके अंकल। ये सुनकर वे वुशियन को हंसी आ गई थी। वेंचिंग लान चैन की तरह ही ओवर प्रोटेक्टिव थी और वो वे वुशियन को तब से जानती थी जब वे वुशियन यंग था। वेइंग ने तो पहले दिन ही वांग जी को कॉलेज से निकलवा दिया था। ये तो एक चमत्कार था कि इस सब के बावजूद उनका रिलेशन अच्छा रहा। लान चैन के लिए लाजमी था वे वुशियन को पसंद ना करना। वेइंग जिन गुआंगशान के खिलाफ खड़ा हो गया था जब उसने वेन फैमिली के खिलाफ बोला था, उसमें वेंचिंग और वेनिंग का नाम भी शामिल किया गया था जबकि वो बेकसूर थे। वेइंग एक ओमेगा था इसलिए उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसे भला बुरा भी कहा गया था। सिर्फ लानवांग जी ने ही वेइंग का सपोर्ट किया था। जिन गुआंगशान को अच्छा नहीं लगा था जब वेइंग ने इतने सारे लोगों के सामने उसे जवाब दिया था, मैडम यू ने एक अल्फा के खिलाफ जाकर बोला था जिसकी वजह से लान और जिन फैमिली में काफ़ी टाइम के लिए दूरियां पैदा हो गई थी। न्यू हसांग बोला, वे वुशियन, मेरे पास वांग जी का नंबर है। ये कहकर उसने वांग जी का फ़ोन मिला दिया। हर रिंग के साथ वेइंग के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी पर वांग जी ने कॉल नहीं उठाई। वेइंग ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अकेला रहना है। उसकी आँखें नम हो गई थी। कुछ देर के लिए रूम में शांति छा गई। वेंचिंग और न्यू हसांग का मन नहीं था वे वुशियन को छोड़कर जाने का
पर मजबूरी में उन्हें वहां से जाना पड़ा। वेइंगा बिल्कुल अकेला था। वो क्या उम्मीद कर रहा था? क्या वो चाहता था कि वांगजी फोन उठा लेता? क्या अगर वांगजी वेइंग को दोबारा कभी ना देखे तो क्या वो खुश होगा? वेइंग सोचता है कि उसका दिल बेचैन हो गया जब नी वैसांग ने उसे बताया कि वांगजी वापस आ चुका है। वांगजी उसके लिए क्या मैटर करता है? लेकिन वांगजी इम्पोर्टेंट था उसके लिए, वो उसका मेट था। ये सोचते ही वेइंग की चीख से निकल गई। उसे लग रहा था मानो वो अभी डूब जाएगा। वेइंग ने अपने सभी लव्ड वंस को खो दिया था। उसकी वांगजी के रूम में आँख खुली थी और उसे पता था कि ये उन दोनों के रिलेशन का एंड है। वेइंग ने मैडम यू को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, जब वो और ज्यादा इस बात को नहीं छुपा पाया, और ये भी कहा था कि उसे नहीं पता कि इस बच्चे का फादर कौन है। ये सुनते ही मैडम यू ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन ये अलग था। उसने वांगजी के बेटे को उससे दूर रखा और अब टाइम आ चुका था उसे सेम चीज एक्सपीरियंस करने का। क्या वो लोग उसे आयुआन से दोबारा मिलने देंगे? क्या वांगजी को भी यही लगेगा कि आयुआन शिचेन का बेटा है? क्या शिचेन को इस सब के बारे में पता है? वेइंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शिचेन मुझे ज़रूर बताता। वो शिचेन को कॉल करने ही वाला था कि फिर किसी ने डोर नॉक किया। वेइंग ने सोचा अब कौन है। उसे लगने लगा था कि इधर बीच जब भी दरवाजे पर नॉक होती थी कोई बुरी खबर ही आती थी। वो दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था, पर तभी उसने सोचा कहीं ला शिचेन तो नहीं है। उसने अपने चेहरे पर से आंसुओं को पोंछा और अपने बाल ठीक किए। वेइंग की धड़कन तेज थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो फ्रीज हो गया। वो पर्सन वेइंग की ओर ही देख रहा था। वेइंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़कर उसे गले लगाए या फिर दरवाज़ा बंद कर दे, इसलिए उसने अपने कदम पीछे कर लिए। वो पर्सन लान वांगजी था। उसने कहा, वेइंग। वांगजी भी वेवुशियन की तरह ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, फिर भी उसने खुद को संभाला। वांगजी ने कहा, वेइंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वेइंग के पास कोई रीज़न नहीं था कि वो वांगजी को मना करे, क्योंकि वांगजी उसका मेट था, उसका बेटर हाफ फाइनली वापस आ चुका था। वेइंग सोचता है, मैं अपने अल्फा को अपने घर में क्यों नहीं आने दूंगा? उसे तो यहाँ बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। वेइंग ने हाँ में अपना सर हिलाया। वांगजी अंदर आ चुका था। वेइंग ने डोर बंद कर दिया और कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। एक गहरी सांस लेकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वांगजी के हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स थे। वो जल्दी से भागा और उसने वो डॉक्यूमेंट्स वांगजी के हाथ से खींच लिए और उन्हें अपने पीछे छुपा लिया। वेइंग ने कहा, ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से वांगजी आ जाएगा। वांगजी ने कहा, वेइंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेइंग सोचता है वांगजी को डॉक्यूमेंट्स से क्या क्या पता चल गया। तभी वांगजी बोला, वेइंग गा ने मुझे सब बता दिया है। वेइंग को यकीन था कि शिचेन ने वेइंग के बारे में वांगजी से कुछ गलत नहीं कहा होगा, पर उसे वांगजी का रिएक्शन देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेइंग को वांगजी से अल्फा होने की सेंट भी नहीं मिल रही थी। वो सोचता है वांगजी ने अपनी सेंट को ब्लॉक क्यों कर रखा है। तभी वांगजी ने कहा, मैं अंकल से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा ताकि तुम अपने बेटे को अपने पास रख सको। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। वेइंग ने सोचा, क्या वांगजी सिर्फ यही कहने आया था? वो सोचता है क्या उसे खुश होना चाहिए कि वांगजी ने उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया, या फिर वो चाहता है कि वांगजी थोड़ी और देर रुके, चाहे फिर वो ना ही क्यों ना कहे। वेइंग ने कहा, वांगजी शिचेन ने तुमसे क्या कहा है? वो वांगजी का हाथ पकड़ना चाहता था पर वो रुक गया। वांगजी वेइंग की ओर मुड़ा और बोला, ब्रदर ने कहा कि वेइंग का एक बेटा है और हम दोनों को उस रात के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वेइंग तो मेरे यहाँ होने से अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। वेइंग ने कहा, वांगजी क्या? शिचेन ने तुमसे बता दिया था कि ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन वांगजी ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। ये चीज़ें वेइंग को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। वेइंग ने सोचा कि वांगजी को इतना कुछ पता है, लेकिन वो यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। इससे तो अच्छा होता कि लान शिचेन वहाँ आकर उस पर चिल्ला लेता। वेइंग ने कहा, वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है। वांगजी चौंक गया था। उसने कहा, वांगजी उस रात मेरी हीट स्टार्ट हो गई थी जब मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ने गया। वांगजी तुम ड्रंक थे और जिन जीशुन तुम्हें ज़बरदस्ती कर रहा था और ड्रिंक करने के लिए। वेइंग ने कहा, वांगजी तुमने मुझे बेड पर पुश कर दिया
और तब तक किस किया जब तक मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी तुमने मुझसे कहा कि मैं वहां से चला जाऊं। वांगजी, मुझे अपनी हीट महसूस हो रही थी पर मैं नहीं गया। ये कहते कहते वेंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लज्जा, मैं नहीं गया, मुझे चले जाना चाहिए था। मुझे पता था, पर मैं चाहता था कि तुम मुझे अपनी बाहों में पकड़ो, मुझे प्यार करो, क्योंकि लज्जा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, न जाने कब से। इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाया लज्जा। वेंग ने कहा, वांग जी, इसके बाद तुमने भी अपना कंट्रोल खो दिया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे हेट तो नहीं करोगे, ये सोचकर कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। और ऐसा हुआ भी था। मैंने तुम्हें किस बैक किया लज्जा, ये जानते हुए भी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। वेंग ने कहा, वांग जी, मैंने सारे काम उल्टे किए हैं। तभी वांग जी ने वेंग का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, वेंग, मैंने तुमसे इसलिए कहा था जाने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि सिर्फ हीच की वजह से मैं तुम्हें चाहता हूँ। सच तो ये है कि मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया है वेंग। वेंग का सर घूमने लगा था, मानो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, वेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है इसलिए तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो। उसने कहा, वेंग, जब मैं सोकर उठा तो हर चीज से तुम्हारी महक आ रही थी, मैंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। वांग जी ने कहा, वेंग, मैंने तुमसे माफ़ी मांगने और तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की काफ़ी टाइम तक कोशिश करी, लेकिन वेंग, तुम तो कहीं थे ही नहीं, किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा था। मुझे लगा, वेंग, तुम मुझसे डरते हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे डरकर अपनी लाइफ को जियो, इसीलिए मैं चला गया। वांग जी ने कहा, वेंग, जब मैं जाने वाला था तब मैं जियांग्स के घर गया था बात करने के लिए, लेकिन वेंग, तुम वहाँ पर नहीं थे। ये सुनते ही वेंग का दिल टूट गया, ये सोचकर कि उसने खुद की वजह से वांग जी को कितनी ज़्यादा तकलीफ दी है। वेंग ने कहा, वांग जी, मैं मैडम यू से छुपा नहीं पाया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी सेंट चेंज होने लगी थी और जब उन्होंने पूछा तो मैं नहीं चाहता था कि लज्जा, तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी हो, इसीलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया। मैडम यू ने मुझे घर से निकाल दिया और कुछ टाइम तक मैं वेंचिंग और वेनिंग के साथ रहा। वेंग ने कहा, वांग जी, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, वेंचिंग ने कहा था कि बेबी के लिए ये अच्छा नहीं है और वो चाहती थी कि मैं तुम्हें सच बता दूँ, पर मैं डर गया था ये सोचकर कि अगर वांग जी मुझे नहीं चाहता होगा या फिर उसे ये बेबी नहीं चाहिए होगा। तो वेंचिंग को वो नंबर मिल गया जो शीचन ने मुझे दिया था, उसने शीचन को तुम्हें समझकर उस नंबर पर कॉल कर दिया। वेंग ने कहा, वांग जी, मुझे याद है कि शीचन आया था और उसने मुझे बताया कि तुम जा चुके हो। उसने कहा, वांग जी, शीचन ने प्रेगनेंसी के टाइम मेरी बहुत हेल्प की थी और मैंने उससे वादा लिया था कि वो तुमसे कभी कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वांग जी तुम अपनी लाइफ खराब करो मेरी वजह से। वेंग ने कहा, वांग जी, मेरी वजह से तुम और शीचन दोनों हर्ट हुए हो। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात कैसे कहे। उसने कहा, वेंग, अंकल को पता चल गया है। वेंग ने कहा, वांग जी, तुम्हारे अंकल को लग रहा था कि मैंने तुम्हारे भाई का फायदा उठाया है और मैं इसके लिए उन्हें ब्लेम भी नहीं करता हूँ। लज्जा और लाशिचैन दोनों ही बहुत अच्छे हैं और वो किसी अच्छे को ही डिजर्व करते हैं। तभी वांग जी ने कहा, नहीं, ये सच नहीं है। वेंग चौंक गया था क्योंकि आज से पहले लज्जा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वांग जी ने कहा, वेंग, तुम हर चीज डिजर्व करते हो। ये कहकर उसने वेंग को अपनी ओर खींच लिया। उसने वेंग को अपने सीने से लगा रखा था। वांग जी ने अपना सर वेंग के सर से लगा लिया। वेंग को वांग जी की हैवी सांस सुनाई दे रही थी। वांग जी भी रो रहा था। काफी टाइम बाद आज वो दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। वेंग को लगा मानो अब वो सही से सांस ले पा रहा हो। उसने कहा, वांग जी, मेरे पास आई युआन की कई सारी फोटोज और वीडियोस हैं। न्यू हेसांग के पास पिक्चर्स हैं जब मैं प्रेग्नेंट था, लेकिन वो इतनी क्यूट नहीं है। वेंग ने वांग जी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वांग जी, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना। वांग जी ने कहा, मैं बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हूँ कि कैसे ये गलत फहमी हो गई, लेकिन अब मैं खुश हूँ वेंग, तुम्हें दोबारा से पाकर। तुम्हारी कोई गलती नहीं है वेंग। वेंग ने कहा, वांग जी, अब ये मेरी ही गलती थी। ये कहकर उसने वांग जी को टाइटली हक कर लिया। वेंग ने कहा, 5 सालों तक शीचन से वादा निभवाया कि
कि वो तुमसे कुछ भी ना कहे। वांग जी, इस कंडीशन में क्या तुम मुझे सेकंड चांस देना चाहते हो? मेरे पास वांग जी हजारों मौके थे तुमसे सच बताने के लिए। वांग जी ने कहा, मैं वेइंग को क्यों दूर करूंगा जब आज मैंने उसे वापस से पाया है। वेइंग ने कहा, फिर भी वांग जी, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसे पता नहीं चला कि कौन पहले करीब आया, उनके बीच में किस शुरू हो गया। धीरे धीरे वो किस डीप होता चला गया। उन दोनों का वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और पैशनेट था। न जाने कितनी देर तक वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। वेइंग ने खुद को वांग जी से दूर कर लिया। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि कौन आया होगा। आई युआन ने वेइंग को देखते ही कहा, मॉम, हमने बर्ड नेस्ट देखा था, उसमें एक्स भी थे, पर हमने उन्हें टच नहीं किया। ये कहते ही आई युआन वेइंग की गोद में जंप कर गया। वेनिंग भी आ गया था, पर जैसे ही उसने लान वांग जी को देखा वो फ्रीज हो गया। पर वेइंग नॉर्मली बिहेव कर रहा था। वेइंग ने आई युआन को गोद में उठा रखा था। जी ने वेनिंग को ग्रीट किया। वेनिंग ने भी वांग जी को ग्रीट किया। उसने तुरंत वेइंग की ओर देखा, ये एश्योर करने के लिए कि वेइंग ठीक तो है ना। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से गुड बाय कहकर चला गया। उसके जाने के बाद वेइंग ने कहा, आई युआन, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे डैडी किसी काम से बाहर गए हैं और काफ़ी बिजी हैं? आई युआन ने यह सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया। उसने वांग जी की ओर देखा, फिर वेइंग की ओर देखकर बोला, क्या डैडी अब और बिजी नहीं हैं? वेइंग हंसा और बोला, नहीं। वांग जी ने वेइंग की ओर देखा और इशारों से पूछा कि क्या वो आई युआन को गोद में ले सकता है। आई युआन ने वांग जी से कहा कि आपसे कोई सेंट क्यों नहीं आ रही है। ये सुनते ही वेइंग हंसने लगा। वांग जी ने कहा, मैं आई युआन और उसकी मदर से दूर रहकर उदास था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई और ये बात जाने। आई युआन ने कहा, आंटी कहती हैं कि अगर आप उदास हो तो आपको दूसरों से कहनी चाहिए ताकि वो आपको खुश रख सकें। ये सुनकर वांग जी ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, मैं ये बात याद रखूँगा। वेइंग आगे बढ़ा और उसने अपनी चिन वांग जी के कंधों पर रख ली और स्माइल करने लगा। वांग जी ने एक किस वेइंग के हेयर्स पर किया और एक किस आई युआन के फोरहेड पर। वो तीनों काफ़ी देर तक ऐसे ही रहे। तभी आई युआन वांग जी की गोद से कूद गया ताकि वो उसे अपने खिलौने और ड्राइंग्स सब दिखा सके। वेइंग ने कुछ मिनट्स का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। वो तीनों सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। आई युआन वेइंग के सीने पर लेटा हुआ था। तभी वेइंग ने जब ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वांग जी उनकी ओर ही बहुत प्यार से देख रहा था। वेइंग ने वांग जी के गल को छुआ और बोला, वांग जी, आई लव यू। मुझे ऐसे कई सारे सपने आते थे, पर नींद खुलते ही तुम कहीं भी नहीं होते थे। वांग जी ने कहा, वेइंग, मेरे साथ भी यही हुआ था, पर मैं तुमसे और आई युआन से बहुत प्यार करता हूँ। उसने कहा, मैं तुम दोनों को अब कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वेइंग की आंखें नम हो गई थी। उसने कहा, वांग जी, मैं आई युआन को बेड पर लिटा दूँ? वांग जी भी वेइंग के पीछे पीछे रूम तक चला गया। बेड पर लिटाते ही आई युआन की नींद खुलने लगी थी, पर वेइंग ने उसे दोबारा से सुला दिया। जब आई युआन सो गया तब वेइंग वांग जी की ओर मुड़ा। वो वांग जी को लेकर रूम से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गया। वेइंग वांग जी के सीने से लगकर बैठा हुआ था। उसने कहा, वांग जी, तुम मुझसे कब से प्यार करते हो? मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं वांग जी को लंबे समय से प्यार करता हूँ। वांग जी ने 8 सालों तक अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा था। उसने कहा, इम्पॉसिबल, और ये कहकर उसने वेइंग के हेयर्स पर किस किया। वांग जी ने कहा, मैं वेइंग को तब से प्यार करता हूँ जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वेइंग की ब्यूटीफुल सी स्माइल, लॉयल्टी, हर चीज़ मुझे पसंद थी। ये सुनते ही वेइंग वांग जी के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, तो फिर तुम मेरे प्रति इतना मीन क्यों थे? वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि वेइंग डिसिप्लिन नहीं था। वेइंग सोफे पर बैठ गया और बोला, वांग जी, मेरे प्यार में पड़ना ही नहीं चाहता था। मैं भी नहीं चाहता था वांग जी के प्यार में पड़ना, पर उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने कहा, लेकिन वांग जी, तुम बहुत स्मार्ट, स्ट्रांग और अच्छे हो। मुझे तुम्हारा मेरे ऊपर ध्यान देना अच्छा लगता था।
वेंग ने कहा, वांग जी मैं सब कुछ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ही तो करता था। तभी वांग जी ने कहा, वेंग मेरे भाई ने तुम्हें कैसे ढूंढा जबकि मैं ये नहीं कर पाया। मुझे लगा कि वेंग की शादी हो चुकी होगी। वेंग ने कहा, वांग जी अगर मैं इतना अप्रिय ना होता तो मैडम यू ने बहुत पहले ही मेरी शादी कर दी होती। मैडम यू बहुत गुस्सा थी जब उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तो उन्होंने फादर के बारे में पूछा। मैंने झूठ कह दिया, मुझे पता है कि ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लगा था कि वेंग किसी के साथ भी सेक्स कर लेता है, पर मैं तो ऑलरेडी लज्जा का हो चुका था। वेंग ने कहा, वांग जी मैडम यू ने मुझे फैमिली से बाहर कर दिया क्योंकि वो हमारी फैमिली की अल्फा थी। अंकल जियांग ने चुपके से मुझे थोड़े पैसे दे दिए थे लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं शेमफुल महसूस कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वांग जी तुमको पता चले। वेंग ने कहा, वांग जी उस दिन तुम्हारे भाई ने मुझे रूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था। उसने कहा, वांग जी अपने भाई पर गुस्सा मत होना, मेरी वजह से उन्होंने ये सब किया था। तुम ऑलरेडी जा चुके थे जब शिचेन को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। ये देखकर वेंग को लगा कि क्या वांग जी शिचेन पर गुस्सा होगा। कुछ देर बाद वांग जी ने कहा, वेंग मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं था, पर मुझे खुशी है कि कोई तो था तुम्हारे और आई युआन का ख्याल रखने के लिए। मुझे खुशी है वेंग कि तुम कहीं गायब नहीं हुए। वे वुशैन ने कहा, वांग जी अगली बार तुम ज़रूर होगे। ये कहते ही वे वुशैन का चेहरा ब्लश करने लगा। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, वे वुशैन अगली बार, उसके अगली बार, हर बार मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वेंग हंसा और बोला, जितने बच्चे वांग जी चाहता है उतने ही मैं भी वांग जी के साथ चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, वेंग अपने वर्ड्स याद रखना। सो फ्रेंड्स, यहीं पर आज का ये पार्ट एंड होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।